ना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजारों के सितारे में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शेट्टी और बाजारों के सितारे में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे आज का शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार का अपडेट और आज का राशिफल। जानेंगे कि आज आपके सितारे क्या कहते हैं, किन राशियों में कितना मुनाफा छुपा हुआ है और किन राशियों को आज संभल कर चलने की ज़रूरत है। तो आज का राशिफल जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाजार के जाने माने एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एम सी वी पर। शुभ प्रभात अखिलेश राठी जी एवं मार्केट टाइम के सभी दर्शक बंधुओं, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु एफ ग्लोबल फर्स्ट एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल एवं मार्केट टाइम्स के टीवी के संयुक्त प्रयासों से ये शो आप तक प्रसारित किया जा रहा है। आज 7 फरवरी सन 2022 सोमवार, कारोबारी सप्ताह का पहला दिन। आज इसके शो में राशिफल, एग्रो कमोडिटीज के अंदर क्या संभावना, शेयर बाजार के अंदर हलचल और नॉन एग्रो कमोडिटी यानी कमोडिटीज के अंदर क्या संभावना बनेगी। गौरतलब है कि ये विशेष शो मार्केट 360 डिग्री यानी पूरे बाजार का निचोड़ आपको कुछ मिनटों के अंदर मिलता है, चाहे वो शेयर बाजार हो या फिर कमोडिटी बाजार, महत्वपूर्ण कृषि जींस हो। सबसे पहले राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। गौरतलब है कि भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 यानी 4 एलिमेंट्स में, 4 तत्वों में डिवाइड किया गया है। पांचवा तत्व आकाश इन 4 तत्वों में ही समावेशित है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व की 3 राशियां मेष, सिंह और धनु राशि आज आपके लिए दिन मिश्रित रह सकता है, एक कदम आगे एक कदम पीछे, करूं ना करूं, कर लूं रुक जाऊं पूछ लूं, इस तरह की असमंजस की स्थितियां बनती हैं। 12 से 1 बजे के बीच में स्क्रीन छोड़ के कहीं मत जाइए, हो सकता है हाथ में आया हुआ मुनाफा नुकसान में तब्दील हो जाए। 2, 6, 10 यह है वृषभ, कन्या और मकर राशि, पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, शानदार राशियों में से हैं। 12 राशियों का यदि निचोड़ कहीं देखा जाए तो पृथ्वी तत्व में है, क्योंकि पृथ्वी सब कुछ अपने अंदर समा लेती है। ये वेलकोन यानी ज्वालामुखी भी यहाँ मिल जाएगा और आपको पानी का सागर समंदर भी यहाँ मिल जाएगा, पहाड़ भी मिल जाएंगी तो गहरी खाइया भी मिल जाएंगी। तो पृथ्वी का जो तत्व है बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये वृषभ कन्या और मकर राशि के लिए होता है। चंद्रमा यहाँ वृषभ राशि में अपना सर्वश्रेष्ठ दे देता है। जो लोग जिनकी की वाणी के अंदर अद्भुत सरस्वती का वास होता है, लाखों करोड़ों लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। एक आवाज के ऊपर लाखों लोग खड़े चल पड़ते थे, महात्मा गांधी जैसे। मकर राशि यानी मंगल की राशि, मंगल यहाँ पे उच्च का रजत दे देता है, जिसकी तलवार और जिसकी बंदूक के सामने पूरे देश, पूरे महाद्वीप साष्टांग प्रणाम करने लग जाते हैं, वो है मंगल यानी मकर राशि। तो पृथ्वी तत्व की 3 महत्वपूर्ण राशियां हैं, आज आपके लिए दिन शायद मुफीद ना रहे, सावधान रह जाए। 1 से 2 बजे के बीच आपकी को नुकसान होने की संभावना अधिक बनती है। 3, 7, 11 यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि मिश्रित रुख देखा रही है वायु तत्व की राशियां, 2 से 3 बजे के बीच में आपको रखनी है अधिक सावधानी। 4, 8, 12 यानी जल तत्व की राशियां कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, दिन आपके लिए शानदार है। आपका धैर्य, आपका चातुर्य, आपका विद्वता आज आपको चमत्कार दिखा सकती है। 3 से 4 बजे के बीच में कहीं मत जाइए, 3 से 4 बजे के एक खतरे का पीरियड है, बाकी दिन अच्छा है, आज आप लाभ कमाने की स्थिति में हो सकते हैं। कुल मिला के 12 राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान बहुत महत्वपूर्ण है। बाजार ऊपर जा रहे हैं या नीचे, क्या आप मुनाफा कमा रहे हैं, इसका ज्ञान सिर्फ इस राशियों से होता है। जी अखिलेश जी, ये से कर्नल जी जी बात करें अगर कम्युनिटी बाजार की, तो एग्री कम्युनिटीज में देख रहे हैं कि आज कैसे सीड में अच्छी बढ़त बनती नजर आई है, कैसे सीड 6500 के ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा है, आपको क्या लगता है कैसे सीड में आज और आने वाले समय में कैसा रुझान रहेगा? कैस्टर सीड में फंडामेंटल बहुत मजबूत हैं और मुझे लगता है कि कैस्टर के अंदर आगे भी तेजी रहने की संभावना बन सकती है, और कैस्टर के जो कारोबारी हैं या अरंडी के अंदर
वो विशेषकर ऑयल के ऊपर, उसके अंदर मुझे सकारात्मक रुख लगता है। आज भी कैस्टर के अंदर तेजी है, पिछले कारोबारी सत्र के अंदर भी हमने कैस्टर के ऊपर लगातार अपडेट दिए थे, वहां भी तेजी की संभावनाएं नजर आती हैं। जी अखिलेश जी, ये से कनल जी देख रहे कि मसालों में भी अब गिरावट के बाद कुछ हल्की सी बढ़त बनती नजर आई है। सबसे पहले बात करें अगर जीरे की, तो जीरा वायदा में 20,000 के पार निकला है, उस पर आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, जीरे के अंदर जो तेजी अच्छी बनी थी, फिर बीच में एक बार मुनाफा वसूली आई थी, उस पर काफी दर्शक जो जुड़े हुए थे, कारोबारी थे, उन्होंने कहा था कि जीरे के अंदर अब क्या है, जीरे के अंदर जो फंडामेंटल इसके बहुत शानदार है, जीरे की जो पैदावार है वो गुजरात के अंदर काफी कम है, सेकेंडली जीरे को कुछ मौसम की भी मार लगी है, उसको देखते हुए जीरे के अंदर तेजी की संभावना बन सकती है और भी आगे भी तेजी की संभावना ही लग रही है, क्योंकि नया साल चाइना में सेलिब्रेट हो गया है और वहां से भी मुझे लगता है कि चाइना से भी जीरे की कुछ डिमांड आनी चालू होगी और मिडिल ईस्ट से भी जीरे की जो है डिमांड अब बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन जीरे के अंदर सबसे बड़ी समस्या और परेशानी ये थी कि चाइना भारत के अंदर जीरे के भाव कम होने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि जीरे के भाव उनको थोड़े से पवरते नहीं थे, लेकिन जीरे को मुझे लगता है कि यदि चाइना को माल खरीदना है जीरे का, तो उसको खरीदना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है, क्योंकि जीरा भारत का एक प्रमुख उत्पाद है और जीरा इसका सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्रों में से भी आता है। मुझे लगता है कि जीरे के अंदर फंडामेंटल मजबूत है, लेकिन हमेशा यही होता है, अधिकतर देखने में आता है कि सब फंडामेंटल मजबूत होने के बाद भी एकदम से गिरावट आ जाती है। बेहतरीन फसल के बावजूद भी मंदी तेजी आ जाती है, ये सब एक साइकिल फेज चलता है। अक्सर कहा जाता है कि डिमांड मजबूत है, सप्लाई कम है, तो तेजी आनी चाहिए, और विपरीत, यदि सप्लाई अधिक है और डिमांड कमजोर है तो मंदी आनी चाहिए। ये एक बेसिक फंडामेंटल होता है, लेकिन अक्सर देखा जाता है बाजार इन बेसिक फंडामेंटल पे नहीं चलता है। गौरतलब है, यदि कॉटन के भी आपने देखा होगा, या जीरे पे भी देखा होगा, या धनिया पे भी देखा होगा, या फिर सोयाबीन पे भी देखा होगा, सरसों पे भी देखा होगा, कि कॉटन के ऊपर आपको याद होगा अखिलेश जी, सितंबर अक्टूबर में पूरे हिंदुस्तान के अंदर मार्केट टाइम्स टीवी के ऊपर हम मजबूती से खड़े थे कि हमें कॉटन बहुत बढ़िया लग रही है, जबकि सीसीआई ने कॉटन की शानदार प्रोडक्शन की बात की थी। इसी तरह से सोयाबीन के अंदर सोपा ने 119 लाख टन से ऊपर की बात की थी, सरकारी आंकड़े भी 120 लाख टन दिखा रहे थे। उसके बावजूद भी जबरदस्त दोनों कमोडिटी में ऐसी तेजी बनी कि जिन्होंने मिस कर दिया वो आज तक परेशान। तो कहने का मतलब यह है कि फसलों का अनुमान, उत्पादन और सप्लाई, इसके अतिरिक्त बाजारों का विश्लेषण ही सच्चा विश्लेषण है, नहीं तो कॉटन के अंदर तेजी बनने की बात ही नहीं बनती, क्योंकि कोविड के वजह से मिले, मंडियां, टेक्सटाइल मिल और खपत कपड़ा, ये सब कमी थी, उसके बाद भी 40% क्यों तेजी होगी। तो कहने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद यह है कि जो कमोडिटी साइकिल है या कमोडिटी का जो एनालिसिस है, वो सप्लाई और डिमांड को एक, उसका सिर्फ एक फैक्टर होता है, बाकी फैक्टर को भी जब तक आप कंसीडर नहीं करेंगे तो उसमें सटीक तेजी मंदी का निकालने का विश्लेषण करने में बड़ी परेशानी होगी, और यही वजह है कि तेजी में तेजी हो जाती है और मंदी में मंदी हो जाती है, दोनों जगह फंस जाते हैं। तो यही मेरा कहना है, लेकिन मुझे अभी जीरे के अंदर आज तेजी की संभावना नजर आती है। जी कन्नन जी, जी बात करें अगर जीरे के अलावा यहाँ से धनी की, तो धनी में आपको क्या लग रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि धनी में भी कुछ बढ़त बनती नजर आई है। बिल्कुल, धनिया देखिए, मुझे धनिए के अंदर अच्छी तेजी नजर आ रही है, ये 10,800-10,900 के ऊपर भी जा सकता है और अच्छी मूवमेंट बनेगी धनिए के अंदर, और क्योंकि धनिए के फंडामेंटल्स भी मजबूत हैं और एस्ट्रो टेक्निकल के आधार पर धनिए के अंदर अच्छी तेजी बन सकती है। जी अखिलेश जी, ये से कनल जी देख रहे हैं कि लाल मिर्च में भी कुछ फंडामेंटल्स चेंज हुए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है लाल मिर्च में अब आगे कैसा बाजार रहेगा? मसालों के अंदर लाल मिर्च हमेशा ही लोगों को धोखा दे देती है। जब ये तेजी की बात जनता सोचती है, विश्लेषक कहते हैं तो मंदी आ जाती है, हर मंदी की बात करते हैं तो तेजी आ जाती है, और फंडामेंटल एनालिसिस और जब फाइनेंशियल स्ट्रेटजी का जब अद्भुत संगम होता है तो लाल मिर्च के ऊपर लगभग अभी तक सटीक बैठा है।
देखिए लाल मिर्च में मुझे तेजी नजर आ रही है, आने वाले 2 से 3 महीने 1.5 महीना लाल मिर्च के लिए अच्छे रह सकते हैं। तो जो कारोबारी इसके अंदर ट्रेड करते हैं उनसे यही है कि आप धैर्य रखें, अच्छे पैसे मिलेंगे इसके अंदर, लाल मिर्च के अंदर अच्छी तेजी बनेगी। जी अखिलेश जी, यही से कर्नल जी बात करें अगर आप नॉन एग्री कम्युनिटीज की, तो नॉन एग्री कम्युनिटीज में आज आपकी तरफ से क्या राय रहेगी? नॉन एग्रो कम्युनिटीज के अंदर देखिए मुझे मेटल आज बहुत अच्छे लग रहे हैं, चाहे वो कॉपर हो, फेरस हो या नॉन फेरस हो, तुम दोनों मेटल्स मुझे अच्छे लग रहे हैं। कॉपर के अंदर तेजी की संभावनाएं बनती हैं, स्टील के अंदर भी अच्छी तेजी की संभावना बनती है। तो इन दोनों मेटल्स के ऊपर, फेरस और नॉन फेरस मेटल्स के ऊपर नजर रखी जा सकती है। इसके फंडामेंटल भी मजबूत नजर आ रहे हैं, एस्ट्रोटेक्निकल्स के जो लेबल्स हैं वो भी बड़े अच्छे नजर आ रहे हैं, तो इसमें थोड़ी सी तेजी की संभावनाएं बन सकती हैं। जी अखिलेश जी, यहीं से कन्हैया जी अगर रुख करें अगर स्टॉक मार्केट की ओर, तो स्टॉक मार्केट आज आपकी तरफ से रेस्ट्रो फाइनेंस के मुताबिक कैसी रह सकती है? स्टॉक मार्केट के अंदर आज हम सेंसेक्स या निफ्टी पर ध्यान नहीं रखे, स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच रखेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर रहेगा। आप नजर रखिए शुगर स्टॉक्स के ऊपर, फर्टिलाइजर स्टॉक्स के ऊपर, इसके अतिरिक्त मेटल स्टॉक्स और ऊर्जा यानी एनर्जी स्टॉक्स के ऊपर नजर रखी जा सकती है। आज मेटल स्टॉक्स के अंदर आप टाटा स्टील है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान कॉपर है, वेदांता है, हिंडालको है, इन शेयर्स पे नजर रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप शुगर सेक्टर के अंदर आप नजर रखते हैं तो इसके अंदर आप रेणुका शुगर है, बलरामपुर चीनी है, इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। और ऊर्जा सेक्टर यानी पावर सेक्टर के अंदर आप सरकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन NTPC, इनके ऊपर नजर रखी जा सकती है, इनके अंदर तेजी की संभावनाएं बन सकती हैं। एक और महत्वपूर्ण बात मैं चर्चा करूंगा कि ये सभी जानकारियां आपको फंडामेंटल एनालिसिस और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के संयुक्त प्रयासों से आप तक पहुंचाई जा रही है। कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले आप स्वयं का अध्ययन, विवेक एवं आप अपने सलाहकार से भी जानकारी कर सकते हैं। ये डिस्क्लेमर किसी भी फाइनेंशियल शो को देने में अहम भूमिका रखता है और हमें देना पड़ता है, इसलिए। और एक मैं अपने अनुभव की बात भी कहता हूँ, बाजार चाहे शेयर बाजार हो या एग्रोजींस हो या फिजिकल ट्रेडिंग हो या फिर उद्योग धंधे हैं, क्षमताओं से को ध्यान में रख के किया गया व्यापार की सफलता के चांसेस हमेशा अधिक होते हैं। क्षमता से 5 गुना 4 गुना 10 गुना काम करना, क्षमता 10 लाख की है, काम 10 करोड़ का हो रहा है, 5 करोड़ का हो रहा है, तो ऐसे में तकलीफें बढ़ जाती हैं। तो अतः विशेष ध्यान रखिए, क्षमताओं के आधार पर काम कीजिए, ऑफिशियल चैनल के जरिए ही काम करिए, कम मार्जिन पे काम करना, बगैर मार्जिन से काम करना, इसमें चांसेस खतरे के सबसे अधिक होते हैं। तो आप NCDX में काम कर रहे हैं तो MCX में काम कर रहे हैं या स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं, ऑफिशियल जो आपके ब्रोकर्स हैं उनके जरिए करिए, डब्बा ट्रेडिंग से बचिए, यही हमारा आपको कहने का बताने का मकसद है। जी अखिलेश जी, जी कर्नल जी बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो आज कुछ ऐसा रह सकता है आपका राशिफल, शेयर बाजार और कमोडिटी बाजार। फिलहाल बाजारों के सितारे में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।